वेस्ट बैंक में इसराइल ने पिछले 20 सालों का सबसे बड़ा सैन्य हमला किया, जिसमें करीब दर्जनों फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिसके विरोध में शुक्रवार को आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल एक अमेरिकी महिला को इजरायली सैनिकों ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को यह जानकारी दी। वहीं दो चिकित्सकों ने बताया कि महिला के सिर में गोली मारी गई। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने तुर्की में जन्मी 26 वर्षीय महिला आइसेनूर एजगी ईगी की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने ये नहीं बताया कि उसे इजरायली सैनिकों ने गोली मारी या नहीं। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि वह एक अमेरिकी नागरिक की हत्या से बहुत परेशान है। तुर्की के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओनकू केसेली ने कहा कि ईगी तुर्की की भी नागरिक थी। उन्होंने कहा कि उनका देश ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि उसके नागरिक की हत्या करने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। इसराइल की सेना ने कहा कि वह उन खबरों की जांच कर रही है जिनमें कहा गया है कि सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन के क्षेत्र में हिंसक गतिविधि को भड़काने वाले पर गोलीबारी करते हुए एक विदेशी नागरिक को मार गिराया। खबर के मुताबिक गोली लगने से जिस महिला की मौत हुई, वह बसावट के विस्तार के खिलाफ साप्ताहिक प्रदर्शन में हिस्सा ले रही थी। ये प्रदर्शन पहले भी हिंसक हो चुका है। एक महीने पहले अमेरिकी नागरिक अमादो सिसन को इजरायली की सैनिकों ने पैर में तब गोली मार दी थी जब वह आंसू गैस और गोलीबारी से बचने के लिए भागने की कोशिश कर रहा था। प्रदर्शन में शामिल एक और इजरायली नागरिक ने कहा कि गोलीबारी की ये घटना उस समय हुई जब दर्जनों फिलिस्तीन और अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता उत्तरी पश्चिमी तट के शहर बेइता के बाहर एक पहाड़ी पर सामूहिक प्रार्थना कर रहे थे, जो इजरायली बस्ती एवियातारा के सामने स्थित है। घटनास्थल पर महिला का प्राथमिक उपचार करने वाली डॉक्टर वार्ड बसालत और नजदीकी राफिदिया अस्पताल के निदेशक डॉक्टर फौद नफ्फा ने बताया कि महिला के सिर में गोली मारी गई थी। ईगी वर्ष 2000 के बाद से इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी मूवमेंटों की मारी गई तीसरी कार्यकर्ता है। आईएसएम कार्यकर्ता अक्सर इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच खड़े होकर इजरायली सेना को अभियान चलाने से रोकने की कोशिश करते हैं। पूर्व में मारे गए आईएसएम के दो कार्यकर्ताओं में अमेरिकी रेचल कॉरी और फोटोग्राफी के ब्रिटिश छात्र टॉम हुरंड हैं, जो कि 2003 में गाजा में मारे गए थे। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नेतन्याहू सरकार द्वारा की गई इस हत्या की वह निंदा करता है। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने कहा कि यह हत्या दर्शाती है कि इसराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से इस क्षेत्र में फिलिस्तीनियों के विरोध प्रदर्शनों का दमन तेज कर चुका है। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि यह हत्या कब्जाधारी बलों द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले अपराधों की श्रृंखला में एक और अपराध है।